दोस्तों आयुष्मान योजना के तहत गवर्नमेंट के द्वारा एक गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। इस कार्ड के थ्रू आप हर साल 5 लाख तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं और ये ट्रीटमेंट आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप ये कार्ड किस प्रकार बनवा सकते हैं, इस कार्ड पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और अगर इस योजना के अंतर्गत आपका नाम शामिल नहीं है तो किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आप अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस योजना का लाभ लगभग देश के 50 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। इस योजना का लाभ मिलने के बाद में आप साल में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। इस योजना के अंदर ट्रीटमेंट के जो बेनिफिट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर रूम चार्ज, डॉक्टर फीस, आईसीयू चार्ज, ऑपरेशन या फिर किसी भी प्रकार की डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपको करवाना है तो आप इस कार्ड के थ्रू ही करवा सकते हैं। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक के बाद जो दवाइयों का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो सभी आप इस कार्ड में इंक्लूड करवा सकते हैं। पर इस कार्ड का बेनिफिट लेने के लिए आपको लगभग 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कार्ड आप किस प्रकार बनवा सकते हैं। ये कार्ड बनवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सभी के पते पर एक पीएम लेटर सेंड किया गया था, पर एड्रेस अपडेट ना होने की वजह से बहुत से लोगों को ये पीएम लेटर नहीं मिला। इसको देखते हुए ये कार्ड बनवाने के और भी मेथड चलाए गए हैं। पर सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। इस लिस्ट में नाम शामिल करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर ही गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के अंतर्गत आपका नाम शामिल किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत आपका नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर में आप यहाँ पर देखोगे आई एम एलिजिबल, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है और ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। पर इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे इश्यूज है। इस वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से व्यक्ति नहीं देख पाता है कि सूची में उसका नाम शामिल है या फिर नहीं है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसका नाम है setupmj.gov.in। तो सिंपली इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है कि सूची में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। और सूची में अगर आपका नाम होता है तो सिंपली आपको यहीं से केवाईसी कंप्लीट करके आप इजीली अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सूची में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ सर्च बेनिफिशियरी, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है और आपको अपना आधार नंबर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो सिंपली आपको इस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। आप ओटीपी फिल करके जैसे वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखोगे कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल, अगर आपका एड्रेस आपके आधार से अलग है तो यहां पर आप अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं या फिर यहां पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके आधार में रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना स्टेट यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद में आप यहां पर थर्ड पेज पे आ जाएंगे रॉयल डिटेल के अंदर। इसके अंदर आपको यहां पे BIS 2.0 पे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और आपको यहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर देना है। आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहां पर सेल्फ टाइप कर देना है या फिर CSE यूजर जो भी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर देना है। तो हम यहां पर सेल्फ यूजर पे सेलेक्ट कर देते हैं। सेल्फ यूजर पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर इनकी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं लॉगिन नेम, आपको अपना एक लॉगिन नेम बनाना है ताकि आप अपनी आईडी भविष्य में लॉगिन करें तो इस लॉगिन नेम से आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर हमारा एक लॉगिन नेम डाल लेते हैं।
लॉगिन नेम आपको सिंपली कुछ स्पेशली करना है, जैसे कि आपको अपना नाम फिल करना है जिसके अंदर आपका फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो गया, उसके बाद में हैशटैग या फिर कुछ स्पेशल वर्ड आपको लिखना है, @ हो गया, हैशटैग हो गया या फिर 123 हो गया, कुछ इस प्रकार से आपको अपना लॉगिन नेम टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन नेम लिख लिए हैं, इसके बाद में क्रिएट आईडी पे हम क्लिक करते हैं। हम जैसे क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन है बिन क्रिएट सक्सेसफुली, हमारी आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है या फिर आयुष्मान मित्रा का रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद में जो आपकी आईडी क्रिएट हुई थी वो आपको यहाँ से लॉगिन करने के ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान मित्रा रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, पर आपको यहाँ से लॉगिन नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद में इसके होम पेज पर आपको वापस आ जाना है और यहाँ पर डू यू केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ई केवाईसी करने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक करना है। आप जैसे साइन इन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी से वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, तो सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करके वैलिडेट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं BIS का जो डैशबोर्ड है वो खुलकर आपके सामने आ चुका है और सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं रूरल और अर्बन आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हम अर्बन क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे स्टेट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ स्टेट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अभी ये न्यू पोर्टल है तो यहाँ पर सभी स्टेट लाइव नहीं किए गए हैं, तो अगर इस लिस्ट में आपका स्टेट आपको मिलता है तो सिंपली आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो वार्ड है वो वार्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये चारों चीज सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपके एरिया के अंदर जो भी इस योजना के अंतर्गत शामिल लोग हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर नीचे देखोगे यहाँ पर जो पेज है वो टोटल 36 पेज है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपके एरिया के अंदर जो भी इस योजना के अंदर नाम है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, उसका नाम, उसके पिताजी का नेम, उसका जेंडर जो भी है वो कंप्लीट यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद में आप देखोगे जिस व्यक्ति के नाम के सामने यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है उसका जो कार्ड है वो कंप्लीट यहाँ पर बन चुका है और उसने अपना कार्ड रिसीव कर लिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे जिसके नाम के सामने कार्ड नॉट मेड लिखा हुआ है उसका कार्ड यहाँ पर अभी नहीं बनाया गया है, तो आप जैसे ही उसके नाम के आगे व्यू पर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल है वो खुलकर आ जाएगी और आप KYC कंप्लीट करके आप अपना कार्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट एरिया सेलेक्ट करके ऐसी लिस्ट ओपन कर लेनी है और इस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। नाम मिलने के बाद में सबसे पहले उस नाम के सामने आपको देखना है कि कंप्लीट लिखा हुआ है या फिर कार्ड नॉट मेड लिखा हुआ है। अगर कार्ड नॉट मेड लिखा हुआ है तो सिंपली आपको व्यू पर क्लिक करना है। आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है या फिर आपके पास में राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड पर क्लिक करना है और राशन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल करके गो डिटेल पर क्लिक करना है। आप राशन कार्ड नंबर फिल करके गो डिटेल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके फैमिली की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य की लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट खुलकर आ चुकी है। अब आपको जिस कैंडिडेट की EKYC करनी है सिंपली इस कैंडिडेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में देखोगे आप उस व्यक्ति की आधार डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, इसके बाद में उसके मोबाइल नंबर फिल करने हैं, इसके बाद में उनके जो पिन कोड है वो फिल करने हैं और उसका जो जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे किसके थ्रू आप EKYC कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे OTP के थ्रू यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, फिंगरप्रिंट के थ्रू यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है और आयरस स्कैन के थ्रू यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली अगर आप OTP के थ्रू KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, तो OTP को आपको यहाँ पर फिल करके कैंडिडेट की जो EKYC है वो कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के बाद में आपका जो
आपका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 10 से 15 दिन के बाद में आपका जो नाम है उसके नाम के सामने आपको कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और अगर आपके नाम के सामने कार्ड नोट मेड लिखा हुआ आता है तो आपका जो डाटा है अभी पेंडिंग में है, पर लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पर आपके नाम के सामने कंप्लीट लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद में आपको व्यू पर क्लिक करना है। आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप अपने कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करना है और OTP यहाँ पर फिल करके व्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप जैसे व्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं जो भी आपका गोल्डन कार्ड है वो डाउनलोड होकर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप एड मेंबर पर क्लिक करके आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका कार्ड भी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और एंटर OTP फिल करके एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपने परिवार में सदस्य का गोल्डन कार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी स्टेट के अंदर आयुष्मान योजना से किसी दूसरी योजनाओं को भी लिंक किया जाता है, अगर उस योजना के अंतर्गत आप शामिल होते हैं तो आप आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। ये चेक करने के लिए सिंपली आपको यहां पर देख सकते हैं PMJAY स्टेट स्कीम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अप्लाई आयुष्मान कार्ड थ्रू स्टेट स्कीम पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट पर आपको क्लिक करना है और इस लिस्ट में अगर आपका स्टेट का नाम है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपका नाम शामिल है या फिर इन स्कीम का आप लाभ उठा रहे हैं तो आपका नाम आयुष्मान योजना की लिस्ट में भी शामिल है और आप अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।